आप गाड़ी को चलाते चलाते कभी भी पेट्रोल मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं और चलाते चलाते आप इसको कभी भी सीएनजी मोड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की झटका या लैग महसूस नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चलाएं या फिर स्लो गाड़ी चलाएं। आप देख सकते हैं तुरंत ही दोनों में ही खटखट से भी शिफ्ट करें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि यार सीएनजी बाइक है तो चलाने में अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़ा अलग लेवल का आने वाला है। स्मूथ इंजन है, रिफाइन इंजन है, साथ में यार जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो देखो 825 एमएम की सीट आई है, तो आपको यार एक सड़क से हटके वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची वाली आपको फीलिंग आएगी। स्मूथ ड्राइविंग होने वाली है, 9 BHP के ऊपर का पावर है यार साथियों, तो एकदम ही पावर पकड़ेगी। हाँ, एक चीज़ प्रॉब्लम है, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में 1 लीटर से कम पेट्रोल है, तब हो सकता है जब आप सीएनजी पर शिफ्ट करेंगे तो हल्का सा आपको झटका महसूस होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल है तब आपको किसी भी प्रकार का झटका महसूस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इसको पेट्रोल में भी चलाएं, देखो अभी हम इसको चला रहे हैं, ये जो है अभी हमारी चल रही है साथियों सीएनजी मोड पर, तो सीएनजी में भी आपको किसी प्रकार की पावर लैग महसूस नहीं होगी, और पेट्रोल में भी चलाएंगे तब भी गाड़ी उसी तरीके से चलेगी। यानी कि अगर आप डेली राइड करते हैं इसको और 60 से 70 किलोमीटर तक की आपकी रनिंग है, तो 1.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब का लगभग आपको जो है माइलेज पड़ जाएगा, 1.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब की आपकी रनिंग होने वाली है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब आप इसको ऑफ रोड में चलाएंगे, और कटिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, एक हाथ में हम कैमरा पकड़े एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस हो रही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर चलाएंगे, देखिए एक चीज़ सुनिए, अब साउंड सुनिए इसका, तो सिटी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर चंद सेकंडों में ही गाड़ी 40, 45 और 50 की स्पीड पकड़ लेती है, यानी कि सिटी ड्राइविंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, नहीं तो हम आपको गाड़ी का थ्रोटल और भी ज़्यादा खींच के दिखा देते, लेकिन फिर भी यार इंस्टेंट जो पिकअप है इसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। साथ में जब हम चला रहे हैं इसको तो राइडिंग टू सिटिंग जो कम्फर्टेबल है, यानी कि जो कंट्रोलिंग है गाड़ी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली। हाँ, इसमें ABS आपको नहीं मिलता है, सिंगल चैनल डिस्क मिलती है बस, तो इसीलिए यार इसको आप ज़्यादा स्पीड में एकदम ब्रेकिंग ना दबाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि ना तो ABS है ना तो पीछे आपको डिस्क देखने के लिए मिलेगी, तो इसीलिए आगे की डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। लेकिन कंपनी ने जो पीछे का टायर है उसका सेक्शन 120 रखा है, तो 120 सेक्शन होने की वजह से जो पीछे की कंट्रोलिंग है यानी कि ग्रिपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है गाड़ी की। हालाँकि यार जब गाड़ी आप चलाएंगे तो देखो आपको यहाँ पर जो इसका मीटर है वो भी क्लियर विजिबल होगा, और साथ में यहाँ पर जब धूप भी पड़ रही है तब भी ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम हो गाड़ी की। थोड़ी सी सीट ऊंची होने की वजह से अगर आप इसको 70 के ऊपर ड्राइव करते हैं तब कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ी सी रोड छोड़ने लगेगी, ऐसा आपको समझ में आएगा। क्योंकि हल्की गाड़ी, देखो हल्की गाड़ियों में ये होता है कि अगर आप 80 के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हल्की हल्की रोडें छोड़ने लगती हैं बिकॉज ऑफ टायर छोटे रहते हैं हल्की गाड़ियों के। साथ में अगर हम गाड़ी की कीमतों की बात कर लें साथियों, तो इसमें आपको 2 मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। ये जो वेरियंट खड़ा है ब्लैक एडिशन आज हमारे सामने, ये डिस्प्लेट वाला एडिशन है जिसकी 1,10,000 कीमत होने वाली है, और 125 सीसी के इंजन में 9 BHP की पावर, 10 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, साथ में 120 सेक्शन का टायर पीछे मिलता है। और जो दूसरा वेरिएंट है उसकी कीमत 1,00,000 होने वाली है। 2 लीटर की यहाँ पर फ्यूल टैंक की टंकी मिलती है, तो 2 लीटर आप पेट्रोल डलवा सकते हैं और 2 किलो CNG भरवा सकते हैं। फ्रंट का लुक तो आपने देख ही लिया होगा, DRL वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, स्मूथ क्लच होने वाला है, रिफाइन इंजन है, नया इंजन होने वाला है, साथ में USB चार्जिंग की मदद से आप अपना इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी के फीचर हैं, तो कॉल SMS अलर्ट आप गाड़ी को चलाते ही देख सकते हैं। साथ में इसमें आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसे फंक्शंस देखने के लिए खैर नहीं मिलेंगे, उनको भी ऐड करना चाहिए था तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। और दूसरी चीज़, एक हैजर्ड लाइट का स्विच भी देना चाहिए था, कम से कम एक हैजर्ड लाइट और एक किल स्विच एटलीस्ट देना चाहिए था इस गाड़ी में। भले ही 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ा देते कीमत, लेकिन 2 चीज़ें ये मस्ट रहती हैं यार, क्योंकि किल स्विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल यार हैजर्ड लाइट तो कॉमन ही है सारी गाड़ियों में, तो वो भी आना चाहिए था तो और भी ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि जब आप एक्सीलेटर वाला साइड देखेंगे तो यहाँ पर एकदम आपको ब्लैंक देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ही आपको यहाँ पर लगेगा यार कि किस कुछ भी इस तरफ नहीं है, केवल सेल्फ लगा है और उसके अलावा बिल्कुल ही ब्लैंक होने वाला है। तो इस तरफ आपको 2 बटन और भी ज़्यादा ऐड कर देते तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। हालाँकि ये नया वेरियंट है, अब हो सकता है इसमें एक और वेरियंट आए तो उसमें ये सारी अपडेट चीज़ें मिल जाएँ। खैर, आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।